नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल एयर फिटनेस क्लब में। और आज जो मैं वीडियो बताने वाला हूं, आज का जो वीडियो है वो आपके सिर्फ बाइसेप स्ट्रेंथ के लिए है। बाइसेप का स्ट्रेंथ कैसे आप कर सकते हैं, इसके अलावा बाइसेप का साइज कैसे ग्रोथ करना है, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में मैं दूंगा। आज दो अलग अलग इक्विपमेंट मैं लूँगा, जैसे एक डंबल लूँगा और एक रॉड लूँगा। इन दोनों के जरिए मैं आपको बताऊँगा कि बाइसेप को आप कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे टोन्ड कर सकते हैं, इसके अलावा बाइसेप का मसल का स्ट्रेंथ हुआ या उसका साइज हुआ उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इसकी जानकारी देंगे। देखिए, सबसे पहले हम बाइसेप के लिए एक वार्म अप करेंगे। बाइसेप के लिए हम एक पुशअप एक्सरसाइज करेंगे। उस पुशअप को कैसे करना है, सबसे पहले बाइसेप एक्सरसाइज करने से पहले उस पुशअप एक्सरसाइज को कर लीजिए, उसके बाद बाइसेप कीजिए, देखिए आपका बाइसेप कितना स्ट्रांग हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि बाइसेप पुशअप कैसे करना है। बाइसेप पुशअप करने के लिए सबसे पहले आपको अपने हाथों को ऐसे नहीं, जो नॉर्मल हम पुशअप करते हैं कैसे करते हैं, तो अपने हाथों को इस तरह रखते हैं, लेकिन बाइसेप पुशअप के लिए हम लोग को ऐसे हम रखते हैं तो यहाँ पर ट्राइसेप पे इफेक्ट करते हैं। लेकिन यूँ यदि हम हाथ रखते हैं ऐसे करके तो ये हमारा बाइसेप जो है मसल, ये टारगेट होता है। देखिए हम कैसे करते हैं इसको, अपने हाथों को सही से रख लेना है, उसके बाद यूँ पीछे चले जाना है। और अब देखिए, देख रहे हैं कितना असर पड़ रहा है बाइसेप पे। देखिए अब हमको धीरे 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 नीचे आना है, फिर ऊपर जाना है। अब देख सकते हो बाइसेप पे कितना जोर पड़ रहा है। इसके कुछ सेट आपको लगा लेने हैं। शुरुआत में काफी हार्ड आपको महसूस होगा, हाथों को जब तक सही से आप नहीं कीजिएगा तब तक ये एक्सरसाइज आपका बढ़िया परफॉर्म नहीं करेगा। तो ये हमारा हो गया बाइसेप एक्सरसाइज, बाइसेप पुशअप। इससे हमारा जो बाइसेप का स्ट्रेंथ है, बाइसेप का जो पावर है, इसके अलावा बाइसेप का जो साइज है वो ग्रो होता है। अब हम डंबल और रॉड के जरिए आपको बताएंगे कुछ बेसिक एक्सरसाइज, जिसके जरिए आप बाइसेप के स्ट्रेंथ को, आप बाइसेप के साइज को आप चौड़ा कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं। हेलो गाइस, तो जैसा कि आपने देखा बाइसेप पुशअप करने के लिए हमको हाथ को यूं नहीं यूं करना पड़ता है। अब आइए हम रॉड के जरिए बाइसेप को परफॉर्म करके दिखाते हैं आपको। हमने बिना वेट का सिर्फ खाली रॉड लिया है और उस रॉड में कोई वेट नहीं है। जैसे रॉड का ही सिर्फ जो वेट है वो वेट है, इस रॉड का वेट जो है ये आई थिंक 9.5 kg है, 9.5 kg के करीब में ये रॉड का वेट है। हम बिना वेट के जो रॉड है उससे हम पहले परफॉर्म करेंगे। यहाँ बगल में रॉड रखा हुआ है, देखिए ये रहा, यहाँ आप देख सकते हैं इसमें कोई वेट नहीं। अब हम बाइसेप रॉड मारेंगे, देखिए अपने हाथों को यूँ रख लेना है, ऐसे नहीं करना है फिलहाल में, यूँ रख कर उसके बाद सारा का सारा जो फोकस है बाइसेप मसल के ऊपर लाइए। और कोई भी एक्सरसाइज आप ऐसे 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 नहीं करना है, एक्सरसाइज को हमेशा स्लो परफॉर्म कीजिए। देखिए ये हमारा, इससे क्या होगा बाइसेप जो है ये बाइसेप के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। देख रहे हैं कितना बाइसेप मसल्स फूल रहे हैं। ये हो गया आपको बाइसेप रॉड। अब बाइसेप रॉड करने के बाद हमको क्या करना है, थोड़ा सा रेस्ट करना है, और ज़्यादा रेस्ट नहीं, बस 10-20 सेकेंड। और उसके बाद हमको डंबल लेकर डंबल कर्व करना है। देखिए इसको कैसे किया जाता है, मैं यहाँ दो तरह के डंबल रखा हूँ। ये जो डंबल है इसका वेट जो है 5 kg है, और यहाँ जो डंबल है इसका वेट जो है 10 kg है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, 5 kg वाले डंबल से परफॉर्म करना है। दूसरा वाला भी ले लेता हूँ, ये देखिए ये मैंने डंबल ले लिया। अब मैं डंबल के जरिए बाइसेप को परफॉर्म करूँगा, ये आप देख सकते हैं।
या आप इसको यूं भी कर सकते हैं। काफ़ी इफेक्टिव एक्सरसाइज है ये सब, और बेसिक एक्सरसाइज है। बिना इसके बाइसेप आप पंप करा ही नहीं सकते हो, और बाइसेप को इंस्टेंट यदि पंप कराना है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। आपका बाइसेप जो है 5 मिनट में ही पंप कर जाएगा। अब काफ़ी थका देने वाला एक्सरसाइज है, अब मैं नेक्स्ट जो है 10 kg के डंबल से इसको परफॉर्म करूँगा। देखिए आप इसको डबल भी कर सकते हैं। देखिए एक चीज़ और आपको देखना है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जब भी आप बाइसेप ऐसे भी कर सकते हैं और इसको यूं लाने के बाद यूं भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बेसिक कुछ बाइसेप की एक्सरसाइजेस थी, और एक लास्ट एक्सरसाइज बच गई है रॉड का और डंबल का। बाइसेप का ही एक्सरसाइज है, हम हैमर कर्ल करेंगे। यहाँ पर हैमर कर्ल के लिए हमने ये 5 kg का डंबल लिया, और हैमर कर्ल के लिए आपको यूं कर लेना है। हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। हथौड़ा कैसे मारते हैं? यूं करके मारते हैं। बस ये एक्सरसाइज भी उसी तरह परफॉर्म करनी है। यूं कर लिए, ऊपर लाए, उसके बाद हथौड़ा कचोट। इस तरह आपको ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। आप इसको सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं, देख रहे हैं, और आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज होगी हैमर कर्ल। तो आई थिंक दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे इंस्टेंट 5 मिनट में आपको बाइसेप का जो साइज है, बाइसेप को जो है पंप कराना है, कैसे पंप होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी और नए किस्म के साथ। धन्यवाद।